जय हिंद। मैं शैलेश आप सभी दर्शकों को, आप सभी विद्यार्थियों को चिल्ड्रन डे यानी बाल दिवस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय www.djgovindbalhightech Thank you.
Mucha gente,
अरे एक सेकंड फ्री से थोड़ा डिस्कस हो और वहां से बंद करो इतना समझ जाएगा राधा ना जाए रे अब सावरा ना भा
एक तू ही मशहूर यहाँ लाखों एक पे फिदा हो सारी ही दुनिया शुरू हमसे तेरी है दोबारा सुनाएंगे जोड़ तालियां।
दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। दिवाली दो शब्दों से मिलकर बना है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या की रात मनाई जाती है। किसानों मोरे जोर तालियां। आलोक मौर्य दिवाली पे कुछ सुनाएंगे। जोर तालियां। दिवाली पे कुछ सुनाने।
दीपावली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। यह अक्टूबर या नवंबर मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने उनका दीये जलाकर स्वागत किया था। इस दिन लोग अपने घर में पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियां जलाते हैं और पकवान खाते हैं। क्या बात है। प्रिंस मौर्या जोड़ तालियां। प्रिंस आए गाना सुना दे, जोड़ तालियां। सभी अच्छे शांत जाए, शांत शांत। मौर्या जोड़ तालियां। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज दीपावली है इसलिए आप सभी को दीपावली और बाल दिवस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत आज हम आपको बताएंगे दीपावली के बारे में। दीपावली मतलब और ढेर सारी और 2020 मतलब 2020 में कोरोना वायरस के कारण अब दुकानों में पटाखे बहुत कम हो चुके हैं, इसलिए बच्चों 2020 में पटाखे ज़्यादा। इस दिन सबके घर में बहुत अच्छी अच्छी पकवान बनती है। दीपावली दीपावली को सबसे से मतलब बड़ा है कि बस प्रिंस मौर्या जोड़ तालियां। प्रिंस आएंगे आलोक मौर्या दिवाली पे मुस्कुराएंगे, जोड़ तालियां। जोड़ता
दिवाली को बाल दिवस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सबको एक गाना सुनाने जा रहा हूँ। साकेत भौरिया दीवाली के कुछ पुराने दोस्तों, मेरा नाम साकेत भौरिया है। मैं आपको सुना रहा हूँ दीपावली के वहाँ पर। दीपावली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। यह अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने उनका दीये जलाकर स्वागत किया था। इस दिन लोग अपने घर में पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियां जलाते हैं और पकवान खाते हैं। क्या बात, दिवाली क्यों मनाई जाती है? जैसा कि अभी यहाँ पर बताया सभी बच्चों ने कि दीपावली जब राम जी वनवास से अयोध्या आए थे, 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे, तो उनका स्वागत अयोध्यावासी घी के दिए जलाते किए थे, तब से दिवाली मनाई जाती है ऐसा माना जाता है। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मत। कोई कहता है कि दीपावली जो है ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए मनाया जाता है। कोई कोई कहता है जो हमारी साफ सफाई का मैटर है उस पर सब लोग ध्यान देने के लिए दीपावली मनाते हैं। तो सबका मतलब नहीं है, लेकिन जो पुराणों में मिलता है वो है कि जब राम जी सीता और लक्ष्मण जी गए थे वनवास, ठीक है, तो वहाँ पर वो 14 वर्ष तक रहे, ठीक है, और रावण को मार कर उसके कुछ दिनों बाद दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। तो दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि राम जी और राम अयोध्या और इसी खुशी में सब लोग मनाते हैं दीपावली मनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। Yeah, yeah.